हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिल्की शिवम है। नेचर का लुफ्त उठाना है तो आग भी बुझाना पड़ेगा। यह खबर उत्तराखंड के नैनीताल जिले के जंगलों से सामने आया। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। अब आग ने भीषण रूप ले लिया है। आग लगाने के आरोप में एक व्यक्ति पकड़ा गया है। शुक्रवार 26 अप्रैल को आग फैलकर नैनीताल स्थित हाई कोर्ट कॉलोनी के पास पहुंच गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। घटना को लेकर 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को झखोली और रुद्रप्रयाग के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। झखोली के टाडी लायल गाँव के रहने वाले नरेश भट्ट को मौके से गिरफ्तार किया गया है। नरेश भट्ट इलाके में अपनी भेड़ बकरियां चराते हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि बकरियों के चरने के लिए नई घास उगानी थी, इसलिए उन्होंने जंगल में आग लगाई। बीते 24 घंटों में राज्य के अलग अलग हिस्सों से जंगल में आग लगने के 31 नए मामले सामने आए हैं। नैनीताल के बल्दिया खान, जोलीकोट, मंगोली, खुरपाताल, देवीधुरा, भवाली, पाइंस, भीमताल और मुक्तेश्वर समेत कई इलाके आग की चपेट में हैं। 26 अप्रैल को आग ज्यादा तेजी से फैलने लगी। वहीं आग की वजह से नैनीताल और उसके आसपास के इलाके में धुआं फैल गया है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और संबंधित विभागों को आग रोकने के लिए आदेश दिया है। डेली न्यूज़ और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।